ये तो पत्थर में भी मूरत उभार देते हैं। मेरे दोस्तों आपकी पैरवी कर रहा हूँ। ये तो पत्थर में भी मूरत उभार देते हैं, उसमें भरते हैं रंग और निखार देते हैं। इतने भोले हैं ये लड़के, ये जानते ही नहीं। इतने भोले हैं ये लड़के, ये जानते ही नहीं। एक मुस्कान पे जीवन गुजार दे। अगर आप थोड़ी सी दाद और दें तो और बढ़िया तजवी करो। ऐसे ही बने रहिएगा। यहाँ एक मुस्कान पे जीवन गुजार देते हैं, बेसुरे साज पे भी गीत गाने लगते हैं। मैं इनकी मजबूरी बता रहा हूँ। बेसुरे साज पे भी गीत गाने लगते हैं, जरा सी ठेस पे आंसू बहाने लगते हैं। इतने नादान हैं लड़के, न इन पे तंज करो। इतने नादान हैं लड़के, न इन पे व्यंग करो। तेज बारिश में पतंगे उड़ाने लगते। मुझे मालूम था इसी तरह से सुनेंगे। मैं मोहब्बतों का कवि हूँ, मैं प्यार का कवि हूँ। मैं उन मोहब्बतों की बात करूंगा जो आपके आसपास बिखरी रहती है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते, उसको ग्रहण नहीं कर पाते। मैं चार चार पंक्तियों में आपके दिलों तक उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, रातें सुलग रही हैं, दिल भी दहक रहे हैं। जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं। तुम भी महक रहे हो। देखिए अच्छे श्रोता वो होते हैं जो बीच में नहीं बोल रहे। आप पूरी पंक्ति सुनने के बाद फिर तालियां देंगे, दाद देंगे, तो हमको इतना अच्छा लगेगा कि आप वाकई में कविता सुनते हैं। इतना मत भूलिए कि हमें भी भूल जाओ। मैं ये चार पंक्तियां आपको और सुनाता हूँ, आप अगर आपने ढंग से सुन ली तो ठीक, वरना सीधे गीत पे आता। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं। हाँ, ये जगह है। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। तालियां गलत जगह बजा दी आप, दाद अब देनी है। मैं बता दूंगा कहां क्या करना है। सुन लीजिए,
हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। मधुमत एक भौरा क्या चाहता कली से, मधुमत एक भौरा क्या चाहता कली से, तुम भी समझ रहे हो। प्रदीप जी ये तो बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, आपकी प्रेरणा काम कर रही है हम तो। वाकई में आप बहुत अच्छा सुने, ऐसा लग रहा है जैसे दसियों साल से कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो चार पंक्तियां और सुना दो। इजाजत कैसे दी जाती है, जरा सलीके से ताली बजाइए। अब भी हसीन सपने आंखों में पल रहे हैं। संवेदनाओं से जुड़ी हुई पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। एक एक पंक्ति पे एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा मुख तक स्लिप हो जाएगा। और मेरा दावा है चौथी पंक्ति पे आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। अब भी हसीन सपने आंखों में पल रहे हैं, पलकें हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं। और अब तैयार है ना मेरे दोस्तों, पलकें हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं। नींदें कहां से आए, बिस्तर पे करवट ही, नींदें कहां से आए, बिस्तर पे करवट ही, वहां तुम बदल रहे। मुझे उम्मीद थी आप आधी पंक्ति ये बोले। जब आप इतनी अच्छी तरह से सुन रहे हैं तो अरुण भाई दिल कर रहा है चार पंक्तियां और सुना दो। मैं आज तो नहीं चार चार करके सुनाऊंगा, एक साथ आज नहीं सुनाऊंगा। मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्तियां आपको सुनाऊंगा। डाली से रूठ करके जिस दिन कली गई थी। हो सकता है आप में से बहुत सारे दोस्त कविताएं लिखते हों, कविताओं से जुड़े हुए हों। दाढ़ी से रूठ करके जिस दिन कली गई थी, बस उसी दिन से अपनी किस्मत चली गई थी। अब मुझे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए, अपनी उम्र की सीमाएं भूल जाना थोड़े से आगे वाले। बस उसी दिन से अपनी किस्मत चली गई थी, अंतिम मिलन समझ कर उसे देखने गया तो, अंतिम मिलन समझ कर उसे देखने गया तो था प्लेट फार्म खाली, गाड़ी चली। बहुत बहुत शुक्रिया आप। मुझे डर लग रहा था, पता नहीं हास्य के नाम पे आप इकट्ठे हुए हैं, आप मेरे इन मुक्तकों को स्वयं से सुन भी पाएंगे नहीं, लेकिन आपने जितनी तल्लीनता से जितने मोहब्बत से सुनी है मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ।